हम नवयुग के निर्माण के लिए संकल्पित हैं। उससे पहले अपना निर्माण, गुरुदेव ने कहा बेटा युग निर्माण एक बड़ी योजना है और युग निर्माण का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में सबसे मुख्य चीज कहे जो सबसे पहले व्यक्ति अगर खुद का निर्माण करता है, खुद को बनाता है, तो युग निर्माण में एक आहुति डालने के बराबर अपने आप को बनाने का। व्यक्ति निर्माण होगा तब जाकर उसका व्यक्ति से क्या बनता है, परिवार बनता है, उसका परिवार निर्माण होगा और परिवार निर्माण होगा साथियों तो समाज निर्माण होगा और समाज निर्माण होगा तो युग निर्माण होते देर नहीं लगेगी। तो मुख्य चीज निकल कर यही आती है जो हमें दुनिया को निर्माण करने से पहले अपने आप का निर्माण करना पड़ेगा। निर्माण कहने का मतलब ये जो आपको भौतिकवादी दुनिया दिखती है ये निर्माण नहीं, खुद का निर्माण कहने का मतलब अपने इनर का मजबूती, आपका जो भीतर वाला है ना, जो तमाम निगेटिविटी है उसको खत्म करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आगे बढ़े, ये निर्माण अपने आप को सदैव पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाने की संकल्पित होकर अपने कैरियर के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहे, ये निर्माण तमाम भटकावों से दूर पाकर एक बेहतरीन जिंदगी जीने की कोशिश करें, ये निर्माण। साथियों, हम सभी युवा साथी प्रत्येक रविवार को एक ही आशा, एक ही अपेक्षा लेकर यहां उपस्थित होते हैं जो हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं और दूसरों को बेहतर बनने में हम कैसे मददगार साबित हों। दैट मीन्स बी एंड मेक की भावना के साथ हम यहां उपस्थित होते हैं और बनने और बनाने के क्रम में पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा तुम जिस भी क्षेत्र में बनना चाहते हो, बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, करो, लेकिन सबसे मुख्य चीज यह है जो तुम अपना निर्माण करो। और निर्माण का सबसे मुख्य चीज जो पूज्य गुरुदेव ने कहा, चार सूत्र दिए जीवन जीने के लिए, आप जिस भी क्षेत्र में जाइए अपने आप को आगे बढ़ाइए, लेकिन ये चार सूत्र के बल पे ही अगर आप रहोगे तो उस क्षेत्र में आपको कोई हिलाने वाला नहीं होगा, आपको डुलाने वाला नहीं होगा। पहला साधना बताया पूज्य गुरुदेव ने, अगर साधना करते हैं तो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, उनका इनर जो है वो जगता है, वो मजबूत होता है। साधना पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा सबसे पहली साधना जीवन देवता की साधना आराधना। और साधना का मतलब ये नहीं जो हम 25-30 मिनट का ध्यान कर ले, गायत्री महामंत्र कर ले, हम साधना कर लिए, हम साधक कहला लिए, नहीं। अपने आप को 24 घंटा, यहां से बार बार बताई जाती है, जो अपने आप को 24 घंटा सुनियोजित तरीके से जीने की कोशिश करना, ये साधना कहलाती है। अपने आप को तमाम निगेटिविटी से दूर रखना, तमाम निगेटिविटी से दूर रखकर अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होना, ये साधना कहलाती है। साथियों, अगर ऐसा हम आप करते हैं तो हम सब साधक कहलाने की हकदार हैं। ये दुनिया है, अब साधना के क्रम में बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे कमेंट करते हैं, बहुत सारे हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, तो हमें इन चीजों में नहीं उलझना है। आप सबने एक गांव घर में कहावत सुने होंगे, जब हाथी बाजार में चलता है तो कुत्ता हजार भूखता है ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। जब अच्छे काम के लिए हाथी क्या रुक जाता है, क्या नहीं रुकता है, बहुत सारे देखिएगा जब, लेकिन उसी हाथी को बहुत सारे लोग क्या होते हैं, प्रणाम करने वाले भी होते हैं। गांव घर के वयोवृद्ध देखेंगे तो जब हाथी गुजरता है तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, कहते हैं गजा महाराज आगे, गजानंद महाराज आगे, कहते हैं ना। लेकिन बहुत सारे कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चला करता है, वो भोगते रहता है, उससे फर्क पड़ता है उसको क्या। अच्छा एक बात बताइए, कुत्ता भोगता क्या, हाथी से लेना देना है उसके कुछ, क्या कोई लेना देना नहीं है, कुछ उसके काम में कोई विघ्न बाधा आते हैं नहीं आती है, लेकिन अपने आप को सदैव वो आगे बढ़ाना चला जाता है। और कमाल की बात यह है जो ना तो हाथी हाथ जोड़ने जो उसको सम्मान करता है उसके पास ठहरता है, और जो उसके पीछे भोगता है ना तो उसके पलट कर जवाब देता है, वो अपने मस्त में मस्ती में चला आगे बढ़ते चलता है। तो हम सब भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो हाथी वाले गुण हमें अपनानी होगी। जो ना हमें सम्मान दे तो वहां एकदम अपने आप को रुक जाना है, नहीं आगे बढ़ते रहना है। और जो खींचने का प्रयास करे उसको भी क्रिस्टलाइज करने का प्रयास करें, हतोत्साहित करने का प्रयास करें,
तो उसको भी जवाब नहीं देना है, समय सबको जवाब देता है साथियों। और ये गुण हमारे अंदर कब आएंगे, जब हम आप साधना करेंगे, अपने इनर को मजबूत करेंगे, अपने भीतर वाला, आदरणीय भैया कहते हैं ना, जो इस दुनिया में वही हिट रहेगा जो भीतर से फिट रहेगा। और भीतर फिट करने का जो उपाय है वो गायत्री महामंत्र है, वो साधना है। इस चीज के लिए हम सबको गायत्री महामंत्र बताई जाती है, एक ऐसा मंत्र उस गुरुदेव ने कहा जो गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है। आप सब देखें बादल को बरसते हुए, देखें कि नहीं देखें, देखें होंगे, बादलों की तरह बरसती है। बस शर्त एक ही है, मिट्टी गहरी और मुलायम होनी चाहिए, गहरी और मुलायम होनी चाहिए। अब बताइए पानी बरसे और लोटा को उलट के रखिए, उसमें पानी रहेगा क्या? सब पानी छितरा के बाहर निकल जाएगा। लेकिन सीधा रहे, खाली रहे, तो उसमें पानी अटकेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके जीवन है, कुछ गुरुदेव की अनुदान वरदान आशीर्वाद बहुत बरसता है, लेकिन अपने आप को जो उस लायक बनाता है, जो उसके अंदर पात्रता होती है, उसके जीवन में मिलते चला जाता है। लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है पूरे जीवन अपने जीवन में लगातार गायत्री जपता है, लेकिन उसके जीवन में कोई फलित नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं गलती है उनके शक्ति में तो नहीं, शक्ति में तो कोई दोष नहीं हो सकता, हमारी गलती हो सकती है। इसीलिए साथियों हम सब जब यहाँ आते हैं तो अपने आप को सौदेव विनम्र बनाकर, शालीन बनाकर अपने जीवन जीने की प्रयास करें। आप कहेंगे भैया अगर युवा जीवन में विनम्र बन गए, शालीन बन गए, तो हमको कोई लोल पपुआ समझ लेगा, कोई वैल्यू। अरे साहब विनम्र शालीन कहने का मतलब वो नहीं जो आपको कोई गलती करे आप विनम्रता पूर्वक शालीनता पूर्वक उसको जवाब न दे, नहीं, अच्छाई के प्रति विनम्र बनिए, अच्छाई के प्रति शालीन बनिए, तब जाकर हम सबका जवानी सार्थक है। अब जवान है तो ऐसा नहीं, कुछ गुरुदेव ने कहा जवानी के बारे में, जो बेटा जवान वो है, नौजवान वो है जिसका मस्तिष्क ठंडा और रक्त गर्म हो। लेकिन आज के दिनों में नौजवान का स्थिति उल्टा है साहब, मस्तिष्क गर्म रहता है और रक्त ठंडा पड़ता है। पूछिए कैसे, अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, एक आध गियर ठंडा का, दो गियर लगा होगा, अभी दो गियर और बचा है, देखिए उपस्थिति, वो समझ गया रक्त ठंडा है, कुछ करने के लिए उसके अंदर से जोश ही नहीं मार रहा है, उबाल ही नहीं मार रहा है, कुछ करने के अंदर से उसके अंदर मद्दा ही पैदा नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर इनर जो फिटनेस होता है वो कमजोर है, वो मजबूत नहीं है इनर तरीके से। और जो मजबूत होता है वो यहाँ उपस्थित होता है, वो सुबह में उठता है, अरे साहब रजाई सबको प्यारा लगता है, किसको प्यारा नहीं लगता है, सुबह में सोना सबको अच्छा लगता है, लेकिन तमाम वो आलस को छोड़ता है वो युवा कहलाता है। इसके मतलब उसके रक्त में गर्मजोशी है, रक्त में गर्मी है, और जिसका मस्तिष्क गर्म होता है, तो आप उदाहरण देखे होंगे रोड पे अगर कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला, साइकिल वाला से अगर थोड़ा सा धक्का लग जाए तो उसको फरियाने की बात करते हैं, लेकिन आपसे कोई पावरफुल व्यक्ति मिलता है, आपको एक आध थप्पड़ दे भी देता है तो प्रणाम करके आगे बढ़ जाता है, अच्छा अच्छा भैया कोई बात नहीं गलती हो गया। इसका मतलब आप अपने आप को अपने अनुसार गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, नहीं साहब, अगर आप में यौवन है तो आप अपने गलत के विरुद्ध सौदेव खड़ा करें, अच्छाइयों के प्रति सौदेव साथ दें, तब जाकर जवानी सार्थक है। और इस चीज के लिए हम सबको साधना बताई जाती है, गायत्री महामंत्र बताया जाता है, एक ऐसा मंत्र जिसको व्यक्ति अगर अपने जीवन में समावेश करता है तो उसके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होता है। इसका हजारों एग्जाम्पल, लाखों एग्जाम्पल कुछ गुरुदेव ने सुपर साइंस ऑफ गायत्री में, गायत्री महाविज्ञान में लिखा है। महात्मा गांधी अपने जीवनी पुस्तक में लिखा है उन्होंने, उन्होंने जब बैरिस्ट्री का पढ़ाई कर दक्षिण अफ्रीका में वकालत करना शुरू किए तो उनके पास ये कुवत नहीं था जो क्लाइंट का केस लेकर जज के साथ अपना वो वकील जो थे उनका केस लड़े, उनके अंदर ये कुवत नहीं था उनका बात पक्ष रखें। क्लाइंट कॉलर पकड़ के पैसा वसूल लेता है, लाओ जो दो चार दिन में केस हारेंगे तुम एक ही दिन में हरवा देगा, तुम्हारे अंदर वो नॉलेज ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। महात्मा गांधी को बड़ा आत्मगिलानी होता है, वो अपने भारत की तरफ लौटता है और देखता है हमारे भारत में ऐसी कौन सी विद्या थी, कौन सी टेक्नोलॉजी था, कौन सा साइंस था जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाने का काम करता था, इनर को डेवलप करने का काम करता था, उसके अंदर वो शक्ति पैदा करता था जो अपनी बातों को दूसरे के पक्ष रख सके और उसमें कोई हतोत्साहित ना हो, हिचकिचाहट ना हो। जब महात्मा गांधी भारत की संस्कृति को उलट कर देखते हैं, खोजते हैं, तो भारत के अध्यात्म में उसको उनको एक ऐसा मंत्र हाथ लगता है, गायत्री महामंत्र। अगर जीवन में वो अगर अपने आप में साधना करते हैं, महात्मा गांधी ने लिखा है अपने जीवनी में, जो मैं बंद कमरे में गायत्री की साधना आधे घंटे की ना किया होता तो मैं कब का पागल हो गया होता।
मैं कब का पागल हो गए थे आप बताइए। इतने बड़े आंदोलनकर्ता, इतने बड़े आंदोलनकर्ता के सूत्रधारक, और वो गायत्री की बल पे जो भारत की हजारों वर्ष, सौ सैकड़ों वर्ष से जो अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर थी उसको तोड़कर फेंका बिना एक भी डंटा उठाए अपने विचार के दम पे। तो हमारी आपके जीवन में छोटा छोटा लक्ष्य है, हम आप गायत्री से उसको क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, हम आप उसको क्यों नहीं अचीव कर सकते साथियों। इस चीज के लिए हम सबको गायत्री महामंत्र बताया जाता है। उसी स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी बाल गंगाधर तिलक गायत्री के बारे में लिखते हैं, जो भारत की सोई हुई दास्ता को जगाना चाहते हो तो गायत्री को जन जन तक पहुंचा दो। ये शक्तियां भरी पड़ी है गायत्री मंत्र, उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया, और इस चीज के लिए वो बताएं। और पूज्य गुरुदेव ने कहा जो युवा के जीवन में अगर गायत्री की समावेश होती है तो उसके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होता है, और हजारों लाखों एग्जाम्पल आपको युवा प्रकोष्ठ में मिल जाएंगे साथियों। आप अपनी छोड़ी हटाइए बाहर की दुनिया को, यहाँ कोई धूप साल एक साल से नियमित पूर्वक जो भाई साधना कर रहे हैं उनसे मिलकर थोड़ा सा साइड में ले जाइए उनको, और पूछिए भैया जब आप युवा प्रकोष्ठ में आए थे पहली बार तो आपका उस समय का सोच, उस समय का विचार करने का ढंग, आपका जीवन जीने का ढंग कैसा था, और आप एक साल दो साल से अगर गायत्री नियमिता पूर्वक जप रहे हैं तो आपके अंदर क्या बदलाव आया है वो बताएंगे आपको। और आपको साहब आश्चर्य होगा जो गायत्री मंत्र से उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, साधना से कितना बदलाव आया है, किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अरे साहब प्रॉब्लम्स है दुनिया में, सभी के पास प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है ऐसे जो लोग बोलते हैं उनके जीवन आपसे चार गुना प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी अपने आप को सस्टेन कराते हुए, अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में अग्रसर रहते हैं, इसीलिए आपसे भी अग्रसर करने का प्रयास करते हैं। साथियों हम सब जब यहाँ आते हैं तो अपने आप को सदैव उन तमाम निगेटिविटी से दूर रखने का प्रयास करें जो हमें लक्ष्य में विघ्न बाधाएं के रूप में आता है। जीवन है, प्रॉब्लम्स आना तय है, प्रॉब्लम्स आना तय है, जिंदगी च्वाइस का खेल है। आप प्रॉब्लम्स आ रहा है, संघर्ष आ रहा है तो उसको आप संघर्ष के रूप में लीजिए या मुसीबत के रूप में लीजिए। मुसीबत लीजिएगा तो आपको पहाड़ दिखाई देगा, संघर्ष लीजिएगा तो उसको लड़ते हुए अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाइएगा, लक्ष्य को पाइएगा। ये अंदर हमारी अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, यहां से बार बार बताया जाता है ना जो जीवन में समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन तमाम समस्याओं से निजात पाना आर्ट ऑफ लाइफ को विकसित करने के लिए हम सब यहाँ आते हैं। और आर्ट ऑफ लाइफ को विकसित करने का जो मेन चीज है वो गायत्री महामंत्र है, वो साधना है साथियों। इस चीज के लिए हम सब यहाँ आते हैं। सदैव अपने आप को विनम्र पूर्वक आभार व्यक्त कीजिए जो वो सौभाग्यशाली क्षण था जिस समय हम सब युवा प्रकोष्ठ में जुड़े। आप कल्पना करके देखिए आज का माहौल को किस प्रकार से निगेटिव की ओर अग्रसर है तमाम 90% युवा, 90% आप पटने में देख लीजिए, किसी लॉज में जाइए और सर्वे करिए, जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं उनसे पूछिए भैया आप क्या करोगे, तो कहते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे। और उनके जीवनचर्या को उठाकर देखिए, दिनचर्या को उठाकर देखिए, आपको लगेगा जो इन दिनचर्या से, इनके सोचने का ढंग से, इसने इनके विचारने का ढंग से अधिकारी तो क्या प्यून भी बनना मुश्किल है। और वो भी अपने आप को तैयारी के क्षेत्र में जोड़े रखते हैं। साहब हम आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस चीज के लिए तो कम से कम अपने आप को तैयार करें। अगर आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो अपने अंदर अधिकारी वाला गुण लाइए, डेवलप करिए। कल के डेट में मान लेते हैं नौकरी हो जाएगा और वो गुण रहेगा नहीं तो फिर ऐसी देश दुनिया का स्थिति बंटाधार है। अपने आप को बनाने का सदैव प्रयास करिए और इस चीज के लिए आपको गायत्री महामंत्र आवश्यकता है। जो गायत्री के समावेश करता है अपने जीवन में उनके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आती है, जो भी तकलीफें आती है उनका सामना वो खुद से करते नजर आता है साथियों। इस चीज के लिए गायत्री महामंत्र आपको बताई जाती है।